राम राम जी सर। और आज एक पढ़े लिखे बच्चे की बात है, तो सुनियो और शेयर करियो पसंद आ तो। तो एक गांव का लड़का था जी। लड़का के पहले तो लाले बाबू था, बाबू तो दो लड़के हो एक लड़की हुई। तो बाबू की सोच होगी भाई मैं तो खेती करूं, दिहाड़ी करूं, ढाब में माटी ढोऊं, फलान करूं और मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो उसने सोची जे छोटे पढ़ो ना पढ़ो, बड़े का दिमाग भी पढ़ मैं बड़े ने तो जरूर पढ़ाऊंगा। बड़ा बेटा उन्हें खूब पढ़ाया जी, मेहनत करी पढ़ाए थे। छोटे भी सरकारी स्कूलों थे और स्कूलों में पढ़ा करते बच्चे, पर वो बड़ा बेटा उसका सच्ची में पढ़ा पढ़कर न रो बस तंगे तुंगे आ कर दे, बल्कि कोई सा साधन भी नहीं था, शहर में भी पढ़ा हो जाकर पढ़ा हो। उन्हें बहुत मेहनत करी और उस बाबू ने बेचारे ने दिहाड़ी दप्पा करे अपने बच्चे के खातर नूं भी जाणो कुछ बन गया। तो जो लड़का पढ़िया ना वो बड़ा छोरा उसका, तो कहन लग गया कि बोला मास्टर बोला भाई तू तो कित छोरे इतना होशियार है कि तो जब दिल्ली में बढ़ जा ना तो किसी कंपनी में बढ़ जा तो तुम्हारे के नारे कर देगा। और बोला कंधा तो एक मेरी जान पहचान का उड़ा करूँ बात तक कर। तो उन्होंने बात करी तो बोले बोला भाई नू जा तू उड़ा इंटरव्यू देखा, ये दिल्ली BSNL कंपनी है, एक रिलायंस की कंपनी है, एक फलानी कंपनी है, इन मतरा कोशी में भी काम बन जाएगा जानते ही। और या डिग्री अतरी या डिग्री दिखा दे तो फट दे ही लेंगे कि इतने होशियार बाल कड़ा पाओ। अब ठीक है जी वो का बाबू नूर नू का हमारा मास्टर अगर अभी टाच लिया जाने सरकारी तो लुआऊंगा कि तो थोड़े बहुत 500-700 रुपये देने आऊंगे जा बेटा उड़ा दिल्ली जा तू दिल्ली नौकरी करिए। ठीक है बाबू। तो छोरा जा है बाबू भी 200-250 रुपये उन्हें दे कर गाल है बेटा खाना है खर्चा है लाले कुछ भी है ये 200-250 रुपये तू ले जा। ठीक है बाबू छोरा चला जा है। छोरा जावा है कंपनी में भीतर बड़ा है पूछ है भाई मनोर नु आवा अपनी डिग्री दिखा उड़ा चला जा उड़ा दिखावा कुछ कमरे में चला जा। तो जावा है उड़ो बैठा होगा जो उड़े का मैनेजर मैनेजर जो भी है अफसर वो बैठा पावा वो को है राम राम बड़े भाई वो लखावा है नू क्यों फोन आया अक आज बैठ जा अक बैठ गया। बैठने के बाद बोला बोला फिर वो को है बड़े भाई या मैं मेरी डिग्री है और नूर नू मैं नौकरी खातर कर रहा हूँ। अक क्या बड़ा भाई लगा रखा है अक मत आप तो जी इज्जत दे रहा हूँ भाई बड़ा भाई का कहना है आप मारे गाँव मत जी जिस तो ज्यादा जिसकी रिस्पेक्ट सी कर है ना उन्हें घना बड़ा से हो तो बाबू जी कह दें और नहीं आप जैसे बड़ा भाई कह दें अरे बाप घने बड़े तो सो कौन है ब मेरे तो 2-4 साल बड़े हो गए तो आप बड़े भाई अक नहीं सर बोल अक सर बोलूँ अक हाँ अक ठीक है बड़े भाई सर बोल लूँगा अक फिर बड़ा भाई अक कोई बात नहीं मैं आप तो सर बोलूँगा। तो कह है ओ सर मेरी यह डिग्री है और देख मैंने नौकरी चाहिए है ओ मारा कागज ने देखा है ध्यान से तर कदे खड़ा हो हर कदे बैठा है कदे वो घुमा हो बटन से दबा है तो उस पर कंप्यूटर पर काम कर रहा है और वो छोरा उन्हें देख नून जा तो नून लखा है नून जा तो और वो खड़ा हो उसकी वह ठावा डिग्री और उसका लाल निशान ला दे है तेरे पास मेल आईडी तो है नहीं आ गया नौकरी कर मेल आईडी दिखा अपनी के जी के सर मेल आईडी मेल आईडी तो कौन है जी मेरे पास सर अक मेल आईडी नहीं तो तू जब तेरी कोई पहचान नहीं है तो तेरी बगैर पहचान के तेरा यहाँ कैसे काम बनेगा तेरी कोई पहचान है सर पे क्यों अक जी मेरी मेरी पहचान तो मेरी पहचान तो जी हाँ मैं पढ़ा हूँ इस स्कूल में पढ़ा हूँ इसमें मैंने यू कराया है उड़ा है यू हरियाणे में नहीं मेल आई डी लिया और तो तेरा काम बनेगा नहीं नहीं बनेगा। तो छोरा बेचारा चिंता हो जाए वो साइड दे ही बाहर निकला है बाहर निकला है इधर उधर भागा है पूछ STD है भाई अड़े सी STD है तू दिल्ली में बढ़ रहा कह भाई वारी उड़ा ही है उसको भागा भाजा उन्हें जाकर कहा भाई मैंने एक फोन नंबर मारे गाँव में
फोन एसटीडी है, एक फोन करना। तो उन्होंने मिला, का मेरे बापू ने बुलाइए भाई, तो वो बापू ने बुलाने कर दिया। कोई बालक बापू भी बेचारा रोटी राटी खा के बैठा था, बापू भी पहुंच जाएगा। बेटे की नौकरी, तेरे बेटे का फोन आ रहा, बेटा नौकरी लग गया फोन भाई, लग गया नौकरी। बाबू नौकरी तो मिल जाएगी, मिल गई। मेल आईडी है के तेरे दूर है, तेरे दूर है मेल आईडी हो तो बता, मैं पहले मेल आईडी चाहिएगी। हैं ओके हो सर, बेरानी बाबू तू बता के हो सर, मन्ने के बेरा के हो सर, मेल आईडी अकला मैं तेरी माँ ने पूछू सू, कल ना फोन करिए, पीछे है ना रोटी खा लिए, बढ़िया डाल रही है, और बढ़िया रोटी खाइए बेटा, चाहे 2 रुपया लाग जो, ठीक है बाबू, ठीक है। छोरा भी चिंता में बैठा, बाबू भी बाज लिया उड़द। छोरा एक 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 दुकान तो फिर भाई मेल आईडी है, किराने की दुकान पर जाए भाई मेल आईडी है, भाई सब्जी की दुकान पर जाए मेल आईडी है, भाई लाले चाय की दुकान पर जाकर बोला भाई मेल आईडी है। और उड़ा बाबू पहले तो गया अपनी बहू धोर, अरे सुना है के, हाँ बोल रीना के बाबू के का था, अख मैं मेल आईडी धरी है क्या अपने, मेल आईडी क्या हो सा, क्या हो सवा मेल आईडी, अख पता नहीं। अख फिर मोनू की दादी ने पूछा, वो बाजा जा माँ, हाँ बेटा के माँ अपने मेल आईडी धरी से, हाँ बेटा अपने तक को न्या के होगा, देख ले कोसे बासण में होता है अनि सरपंच का पा जाएगी, वो कड़ा बासण देखा था वो तो बाज गया, सरपंच का तो जरूर पाओगी जब माँ कहे तो। वो जाओ है सरपंच दो, सरपंच साहब, सरपंच साहब बड़े भाई, बड़े भाई हाँ आज भाई नु क्यों सास भर रहा मेरे सिंह, अकर के मेरे सिंह बोला मेरे तो सास चढ़ा दी, वो छोरा जा रहा दिल्ली नौकरी लाग रही है उसकी, और मेल आई डी दे दे थोड़ी अपनी, तो तू थोड़ी बहुत ठाक है मैंने। अख बोलिया मेल आईडी भाई बुग्गी जोटा ले ले भाई, ट्रैक्टर फोरड कर लिया 800 तो वो ले जा, और भाई शक्कर ले जा, गुड़ ले जा, और भाई गेहूँ सपड़ जाता गेहूँ ले जा भाई, यह मेल आईडी के उसे। बोलिया अख बोलिया है नहीं ना भाई, अख बोला तू नू कर के अकूड़ा, वो भोले का मंदिर नहीं है उसमें पंडित दौर पूछ ले पा जाता है, जब छोरा नौकरी लागत उस दौर पास का है भाई, वो पा जाएगा पंडित जी, पंडित जी अक हाँ भाई आजा कह सियाने हुए मेरे संग, अक मेल आईडी दे दे तेरी कोशिश करते आप तो मैं तेरे मंदिर में, वो उन्हें सोची भी कोई श्यामगरी हो है। बोला बोला भाई मेल आईडी तो हमने भी नहीं, मैंने भी नहीं मंगाई कि श्यामगरी रखी है इसमें है जो है तरी है या जो है या नू है या नू है या गूगल भी है, गूगल सुंदी होता है भाई मेल तक कौन है। अच्छा तुम लोग कर मेरे दौर नहीं है ना, तो बोला नहीं बैठे बोले का भगत कुछ पर पूछ लो दो, और भी दुनिया पालतू आवा है, वो बाजा बाजा उस और जा है पड़िया पाया बोले बाबा बाबा। अख भाई सांस ले मैंने बता के बात है मेरे संग तन के चाहिए है, अख मन मेल चाहिए है, अकर बोले मेल कर मेरे तो करके के करेगा, मेल कर तो भगवान तो कर ले, और मेल वो दूसरा मेल कर तो अपनी माँ का जग जीवन कर ले, मेल हो जाएगा भाई मेल कर रहे हैं, और भाई अब जा फिर ना मेल कर रहा था भाई तू कर अपने छोटे भाई तो कर ले, और भाई और कोसा मेल भगवान तो कर ले भाई, मेरे दौर तो मेल करके तू क्या काटेगा, तू बच्चा का ना खाट बैठ गया दोनों अदर कर ला कर, वो तेरा भला हो जा रहा है इना तो छोरे दौरा फोन करन का वो कित करूँ भाई कित कर छोरे ने फोन, और ना वो अपने बेचारा चैन तो सोन का युवा उसकी लगाई को भाई रोटी खा ले, रोटी खा लो सुनो हो के रोटी खा लो, खा ली रोटी युवा वो मेल नहीं मिलेगी तन छोरे का काम नहीं मिल बने चुकर के करूँ, अब देखेंगे तड़के छोरे नहीं मिल गयो कोई सी दुकान पर, वह तो दिल्ली है दिल्ली, दिल्ली में तो सारी चीज मिले, तो उड़ा छोरा चाय की दुकान पर जब सारी दुकान पर पूछ कर ले चाय के पानी का खड़ा होने बोला भाई एक कप चाय बनाए दे, बड़े भाई एक कप चाय बना दे, बोला रे रियाड़े का सके अख हाँ अक तने कुकर पिछाणिया, अख भाई मेरे तो सारे आओ डाल के आओ मन तबेरा तू रियाने का है, अक वो दो चार घुट चाह की बड़ी रोड चार घुट बढ़ता बढ़ता बोल लिया, अच्छा तू मेरी सारी बात समझा खा,
मेरा आईडी है मिल जाएगी तेरे तो रे। अगर अब बोले की दुकान कर रहा हूँ, चीनी ले ले, पत्ती ले ले, सौंप ले ले, लौंग ले, अच्छी ले ले, दूध ले ले, मलाई ले ले, भाई उसका मेरे तो क्या काम। बोले फिर बोले भाई कित मिल रहा है, क्यों इस गली में जाएगा ना, दाए मुड़ जाइए, दाए मुड़ का बाए मुड़ जाइए, उड़े एक मंदिर मंदिर तो पीछे तुम्हें एक दुकान उड़े मिल रही। उन्होंने कड़क चैनल चाहो तो आधी पीठिया दिन दर कर रोता देख उस तो पीछे पग लिया भी बग लिया तो जावा है। उन्हें देखा वो दाए बाए सारा उधर हो गया कि उसका तब भाई फिट बैठी कि उन तो मेल आईडीसी है। तो बोला बोला राम राम बड़े भाई, अक राम राम, अक मेल आईडीसी है थी बैठ जा वो थोड़ी हाँ फिर को है भाई बड़े भाई मेल आईडीसी है थी घंटे के 60 रुपये हैं बैठ जा मेल आईडी ले लिए। तो उन्होंने तो बेचारे ने सोची 60 रुपये भी तू 60 रुपये तू कर जोड़ेगा। वो बेचारा मार का सर बोला भाई मैं थोड़ी देर में आऊंगी, थोड़ी देर में जब लिकड़ गया वो लिकड़दा लिकड़दा वो मंदिर सा था ना उनकी सीढ़िया पे पड़िया पे बैठ कर बोला अकबर नू अकले रुपये देख लू कह है। देखा उन्हें भाई 63-64 रुपये गोज मरे रे, क्यों सारा दिन हो गया बेचारा भागया फिरा था। वो बाबू दिए थे उनकी रोटी राटी खा ली, कुछ खर्च हो गया कि तो चाह पी ली कि लेन देन में उस तो रह गए 160-162 रुपये तो 160-162 रुपये रह गए। तो उन्हें देखा कि भाई इन तक ही होगा तो घंटे के 60 रुपये लेगा, अरे कह रहा 10 घंटे ला दे तो तू तो कितने देगा। तो सोच में बैठ गया, सोच में बैठ गया ना उसकी न्यू नजर पड़ी अरे छोरा उससे वर्गा जीवान है सब्जी की टोकरी से पतरे जान ला गए। उन्होंने फिर करा फोन करा बाबू मेल आई डी मिली, अक ना बेटा उड़े दिल्ली में तसली कर ले दिल्ली मिल जाएगी, आड़ा इसी दुकान को ने आड़ा तो यू कर नन्ना बनिए का अरे इस पकड़ थी मेल आई डी को यू को रखदार बेटा उड़े बड़ी बड़ी दुकान उड़े ले ले पीछे सें अखाँ सें खर्चा पानी सह सह छोरे ने तो बस नू देख कर सोची भी के करो। छोरे ने लिए नींबू किसी दुकान पर तरह नींबू ले कर पाइया पाइया ताई नींबू ले ले चाची नींबू ले ले माता नींबू ले ले अरे कह के पाइया कह के आते कि लोग पांच के पाइया कब पांच के पाइया तो मंडी में मिला है अब फिर ये मैं घर आ देकर जाऊँ मंडी में नहीं जाना पड़े। अब बात तो तेरी से लेते जबाई दे जबाई उन्हें 2-4 दिन नींबुआ का 10-20 दिन काम करा तो उसने लगी बचत बढ़िया। फिर मेरे वर्गी तेरे वर्गी फिर कह दे अरे तू गया भी ओ देख दिल्ली में तो लोग कंधे होंगे शायद उन्हें कही होगी अक गया अक हाँ अक कल ले आऊंगा। फिर परसों कह दी भी फलानी चीज डकड़ी चीज वो सह सर टोकरी धर ली उन्हें भी सर पाई टोकरी धर ली 2-4 महीने में उसने रेडी ले ली रेडी ले ली तो रेडी में तेरा समान रो बेच भाई साल में उसने बाबू को बेटा खा बाबू पीछे पूछा दिए मैंने उड़ा बड़े बड़ेगी के खत्ते में कटवा लिए और ले मैं अपना खर्चा बढ़िया चला रहा हूँ नौकरी मेरी बढ़िया है ठीक है बेटा ठीक है घर की चिंता ना करिए हमारा भी काम बढ़िया चल रहा है तो अपना काम चला। तो बाबू ने भी मच्छी दी बेटे ने भी मच्छी दी रोज बेच उड़ा सब्जी। तो 3 साल उन्हें हुए नहीं थे उस टाइम उसने उड़ा इतना ठैया जमा दिया मंडी में सब्जी मंडी में अकन दुकान पर मन मतलब ऐसा बिजनेस चल गया उसका ही उसका नाम हो रहा उड़े का। तो भाई फलाने के नाम तो कतियन बढ़िया जाने जावे क्योंकि नाम मैंने ले लें किसी का भी नाम पा जाए तो कल ऑब्जेक्शन हुआ तो भाई उस नाम तय भाई उसकी बहुत पिछाण होगी बहुत पिछाण होगी। तो ला क्या कहना कि बोले भाई मैंने मकान चाहिए उन्होंने भाई बहुत बढ़िया मकान लिया उन्हें घर फोन कराया टेलीफोन करके उन्हें अपने घर के बुला लिए देखा भाई दिल्ली में बंगला तो सेम गए भाई दिल्ली में बंगला भी सब्जी मंडी में दुकान भी भाई उसका नाम गिने चुने आदमी हमें आने लग गया दिल्ली में दिल्ली में नाम इतने बढ़िया आदमी मान लग गया था। एक दिन अखबार वाले आ गए उसका वो इंटरव्यू का दिन लेना है अखबार वाले तो वहाँ आ गया तो वह छोरी थी
वह छोरी बैठी, बोली सर आप बात करो। बोला किसका सर, क्या का सर? बड़ा भाई का कबूल, तू बहुत बाल का मिलता तू बड़े भाई। अक बोला नहीं सर, आप सर हो, मैं आपको बड़ा भाई कैसे बोल सकती हूँ? अब जो बड़े भाई थे जिते न बस सकता कौन है, तुम मेरा मन बड़ा भाई का कब पूछ के पूछेगी? अक आपकी पहचान, आपकी मतलब मैंने सुने आपके पास तो मेल आईडी भी नहीं थी, और आपकी के पहचान क्यों करूँ? उन्होंने बोला पहचान, ओहो पहचान आईडी, या आईडी जा मेरे पाई। उन फटो कागज का डाउस दराज से मतर दिखाया, ने बोला जा मेरे पैया ये जो निशान लग रहा है ना, जब मेरे पैया होती ना तो आज मैं इतना मेरा इतना पैसे वाला नहीं होता, आज मैं उस कंपनी में कोई नौकरी कर रहा हूँ, किसी की ताबेदारी कर रहा हूँ। अच्छा अब देख इस तो मेरी के पहचान बन दी, एक चौकीदार की, एक वर्कर की, आज देख मेरी पहचान हर कोने में है। कौन को है पहचान पत्र ते पहचान है, वो है खुद की पहचान तो माँ बाप बुद्ध में, फिर पहचान बंदा आप बना हुआ है, अब यह तो फिर बाद की पहचान है। मेरी पहचान ना देख कितना, तो मैं चाहूँ जी हर बालक अपनी पहचान बनाओ, अपनी खुद की पहचान बना हुआ बच्चा, उस पहचान पत्र तो अपनी खुद की पहचान होना वह भी बढ़िया जी। अब देखो ई पर पहचान पत्र बनाया, बस मेरा टिकट भी नहीं देंदे रेल में, तो मैं चाहूँ जी खुद की बच्चे की जो माँ बाप को पहचान रहे हैं, खुद बच्चा भी अपनी पहचान बनावा, खुद अपने नाम की अपनी भी खुद की भी युवक लाना बच्चा है देख रही हो छोरा है। तो मैं इसी बात तक कह रही थी जी, जब बढ़िया लग है तो शेयर करियो इस बात ने, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में जावे नौकरी नहीं मिल रहा है तो हिम्मत नहीं आ रहा है, बच्चा हिम्मत नहीं आ रहा है। धन्यवाद जी, राम राम जी।